तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 6वीं की विज्ञान के बारे में, साइंस के बारे में। तो अभी तक हम लोग 12 चैप्टर इसके ख़त्म कर चुके हैं। ये आज बात करेंगे चुम्बकों द्वारा मनोरंजन को देखेंगे। क्या है चुम्बकों द्वारा मनोरंजन? याद रखिए, फिर से कहूँगा कि इन किताबों को एक कहानी की तरह पढ़िए या सुनिए, लास्ट में मालूम चल ही जाता है कि क्या क्या हमने पढ़ा है और क्या क्या जाना है। ठीक, अगर फिर भी आपको लास्ट में जो निष्कर्ष निकलता है, कुछ शब्द मिलते हैं उनकी परिभाषा फिर भी आप लोग नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, तो एक बार फिर से पढ़ लीजिए, क्योंकि आप के पढ़ने में ही गलती हो सकती है, क्योंकि इसमें ये इतनी सरल शब्दों में लिखी गई है कि इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। पहेली तथा बूझो ऐसे स्थान पर गए जहाँ अवशिष्ट अवशिष्ट कूड़ा कबाड़ पदार्थ के बड़े बड़े ढेर थे। कुछ प्रोत्साहक घटना घट रही थी। कूड़े के ढेर की ओर एक क्रेन जा रही थी। क्रेन ने इस ढेर की ओर एक गुटके को नीचे किया, फिर वह गुटका ऊपर उठने लगा। अनुमान कीजिए कि यहाँ क्या हुआ। बेकार पुराने लोहे के बहुत से टुकड़े गुटके के साथ चिपक कर क्रेन के साथ जाने लगे। इस तरह उन्होंने अभी अभी चुम्बकों के बारे में एक अति रोचक पुस्तक पढ़ी थी तथा तुरंत जान गए थे कि क्रेन से अवश्य ही एक चुम्बक जुड़ा था जो कबाड़ से लोहा चुन रहा था। आप में से बहुत लोगों ने चुम्बक अवश्य देखे होंगे, इनसे खेलकर आनंद भी उठाया होगा। क्या आपने चिपकू स्टिकर देखे हैं जो लोहे की सतहों जैसे अलमारी या रेफ्रिजरेटर के दरवाजों से चिपक जाते हैं? कुछ पिन धारकों होल्डरों में पिन होल्डरों से चिपकते दिखते हैं। कुछ पेंसिल बॉक्सों में ताले की व्यवस्था के बिना भी जब हम ढक्कन बंद करते हैं तो यह कसकर बंद हो जाता है। ऐसे चिपकू या पिन धारकों तथा पेंसिल बॉक्सों में चुम्बक लगे होते हैं। इस तरह यदि आपके पास इनमें से कोई भी वस्तु है तो उनमें छिपे हुए चुम्बक को खोजने का प्रयत्न करें। चुम्बक कैसे खोजा गया है? कहते हैं कि प्राचीन यूनान में एक गडरिया रहता था, उसका नाम मैग्नस था। वह अपनी भेड़ों तथा बकरियों के झुंड को पास के पहाड़ों पर चराने के लिए ले जाता था। भेड़ों पर नियंत्रण के लिए वह अपने साथ एक छड़ी रखता था। छड़ी के एक सिरे पर लोहे की टोपी लगी होती थी। एक दिन पहाड़ पर एक चट्टान के ऊपर से इस छड़ी को उठाने में उसे बहुत जोर लगाना पड़ा, तो वह आश्चर्यचकित हुआ। चट्टान छड़ी को अपनी ओर आकर्षित कर रही प्रतीत हो रही थी। यह चट्टान एक प्राकृतिक चुंबक थी और इसने गडरिये की छड़ी की लोहे की टोपी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। कहा जाता है किस प्रकार प्राकृतिक चुंबक की खोज की हुई। संभवतः उस गडरिये के नाम पर उस पत्थर को मैग्नेटाइट नाम दिया गया। मैग्नेटाइट में लोहा होता है। कुछ लोगों को विश्वास है कि यह मैग्नेटाइट मैग्नेशिया नामक स्थान पर सबसे पहले पाया गया था। जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है वे चुंबक कहलाते हैं। समझ में आया? इतनी कहानी आपको इसलिए बताई गई जिससे आप चुंबक की परिभाषा समझ पा सकें। जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? चुंबक। लोग अब तक जान चुके थे कि कुछ चट्टानों में लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण होता है। उन्होंने यह भी पाया कि चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ विशेष गुण होते हैं। विराक्तिक रूप से मिलने वाले इन पदार्थों को उन्होंने चुम्बक कहा। तत्पश्चात लोहे के टुकड़ों से चुम्बक बनाने की विधि का आविष्कार हुआ। इन्हें कृत्रिम चुम्बक कहते हैं। आजकल विभिन्न व्यक्तियों के कृत्रिम चुम्बक बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए छड़ चुम्बक, नाल चुम्बक, बेलनाकार अथवा गोलांत चुम्बक। चित्र 13.4 में ऐसे कुछ चुम्बक दर्शाए गए हैं। देख लेते हैं, ये हैं विभिन्न प्रकार के चुम्बक। अब बात करते हैं क्रियाकलाप, प्रयोगशाला की तरह। ठीक है, प्लास्टिक अथवा कागज का एक प्याला लीजिए। इसे एक स्टैंड पर शिकंजे की सहायता से कस दीजिए, जैसा कि चित्र
इस तरह 15:5 में दर्शाया गया है। प्याले के अंदर एक चुंबक रखिए तथा इसे कागज से ढक दीजिए जिससे कि चुंबक दिखाई ना दे। लोहे के बने एक क्लिप को एक धागे से बांधिए। धागे के दूसरे सिरे को स्टैंड के आधार के साथ बांध दीजिए। ध्यान रखें कि धागे की लंबाई को पर्याप्त छोटा रखना यह एक युक्ति है। क्लिप को प्याले के आधार के समीप लाइए। क्लिप बिना किसी सहारे के एक पतंग की भांति हवा में रुका रहता है। इस तरह बात करते हैं चुम्बकीय तथा अचुम्बकीय पदार्थों के बारे में। क्रियाकलाप सेकंड, आइए मैग्नस की भांति भ्रमण करें। इस बार हम केवल चुंबक तथा लोहे की परिस्थितियों को बदल देंगे। अब गडरिये की छड़ी के सिरे पर एक चुंबक होगा। हम किसी हॉकी स्टिक, भ्रमण छड़ी या क्रिकेट के विकेट के साथ एक छोटे से टुकड़े चुंबक को टैप या गोंद की सहायता से चिपका सकते हैं। आइए अब हम विद्यालय के खेल मैदान में मैग्नस भ्रमण पर चलें। हमारी मैग्नस छड़ियाँ विद्यालय के मैदान से क्या क्या वस्तुएं उठाती हैं? कक्षा के कमरे से या किन वस्तुओं को उठाती हैं? अपने आस पड़ोस से दैनिक जीवन में काम आने वाली विभिन्न वस्तुओं को एकत्रित कीजिए। मैग्नस छड़ी से इनकी जांच कीजिए। आप एक चुम्बक भी ले सकते हैं। इन वस्तुओं को चुम्बक से छुएं और देखें कि कौन सी वस्तुएं इसमें चिपकती हैं। अपनी नोटबुक में सारणी 3.1 की भांति एक सारणी बनाएं। अपने प्रेक्षण अंकित कीजिए। सारणी 13.1 अंतिम कॉलम देखिए। उन वस्तुओं के नाम लिखिए जो चुम्बक द्वारा आकर्षित क्या है आकर्षित होती हैं। अब उन पदार्थों की सूची बनाइए जिन्हें जिनसे ये वस्तुएं बनी हुई हैं। क्या कोई ऐसा सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है जो चुम्बक द्वारा आकर्षित होने वाली सभी वस्तुओं में विद्यमान है? हम यह समझते हैं कि चुम्बक कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है जबकि कुछ पदार्थ चुम्बक की ओर आकर्षित नहीं होते। याद रखिए, जो पदार्थ चुम्बक की ओर आकर्षित होते हैं वे चुम्बकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे आपका लोहा हो गया, निकल हो गया एवं कोबाल्ट हो गया। जो पदार्थ चुम्बक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं वे अचुम्बकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक, याद रखिए, मिट्टी आपका चुम्बकीय पदार्थ है, अचुम्बकीय बताना है आपको। ठीक है, अब बात करते हैं क्रियाकलाप 3 को देखते हैं। किसी चुम्बक को रेत अथवा मिट्टी में रगड़ें, चुम्बक को बाहर निकालें। क्या चुम्बक के साथ कुछ रेत अथवा मिट्टी के कण चिपक गए? अब इन रेत अथवा मिट्टी के कणों को हटाने के लिए चुम्बक को आराम से हिलाएं। क्या कुछ कण अब भी चिपके हुए हैं? ये मिट्टी से उठाए गए लोहे के टुकड़े हो सकते हैं। इस क्रियाकलाप के द्वारा हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि क्या किसी स्थान की रेत अथवा मिट्टी में लोहे के कण विद्यमान है। अपने घर के पास, स्कूल में अथवा अवकाश के दिनों में भ्रमण किए गए स्थानों पर इस क्रियाकलाप को करने का प्रयास कीजिए। क्या चुम्बक से चिपके लोहे के बुरादे की तस्वीर इस तरह की है? आपने जो ज्ञात किया है उसकी सारणी बनाइए। ये पर्याप्त लोहे के बुरादे के साथ, ये इसमें आपका कुछ बुरादे से था, बिना बुरादे के साथ तीसरा सी में। ठीक है, आगे बात करते हैं। यदि आप इस सारणी को भरते हैं तो इसे पहली भूजो के पास भेजते हैं तो वे देश के विभिन्न भागों की मिट्टी में पाए गए लोहे के बुरादे की मात्रा से तुलना कर सकते हैं। वे आप के साथ इस जानकारी को बांट सकते हैं। अब बात करते हैं चुम्बक के ध्रुव। हमने देखा है कि मिट्टी में चुम्बक रगड़ने पर लोहे के कण चुम्बक से चिपकते हैं। क्या आप चुम्बक से चिपकने के ढंग में कुछ विशेषता देखते हैं? क्रियाकलाप 4, एक कागज की सीट पर लोहे का बुरादा फैलाइए। इस सीट के ऊपर एक छड़ चुम्बक रखिए। आप क्या देखते हैं? क्या लोहे का बुरादा चुम्बक के सभी स्थानों पर एक समान रूप से चिपकता है? क्या आप चुम्बक के किसी भाग में किसी अन्य भाग से अधिक लोहे का बुरादा चिपका हुआ देखते हैं? चुम्बक चिपके हुए लोहे के बुरादे को हटाइए। इस क्रियाकलाप को दोहराइए। क्या आप चुम्बक के विभिन्न भागों को आकर्षित हुए लोहे के बुरादे के तरीके में कोई परिवर्तन देखते हैं? आप इस क्रियाकलाप को लोहे के बुरादे के स्थान पर पेन या लोहे के कीलों से तथा विभिन्न आकार के चुम्बकों से भी कर सकते हैं। चुम्बक से लोहे के बुरादे के चिपकने के ढंग का आरेख बनाइए। हमें
हमने ज्ञात किया है कि अधिकतर लोहे का बुरा था छड़ चुंबक की दोनों सिरों के पास चिपकता है। चुंबक के ध्रुव इन सिरों के नजदीक होते हैं। कक्षा में विभिन्न आकृति के चुम्बकों को लाने का प्रयास कीजिए। लोहे के बुरादे का उपयोग करके इन चुम्बकों के ध्रुव की स्थिति की जांच कीजिए। दिशाएं ज्ञात करना, क्या दिशाएं ज्ञात करना? प्राचीन समय में से ही लोग चुम्बकों के बारे में जानते थे। चुम्बक के बहुत से गुण भी उन्हें ज्ञात थे। आपने चुम्बकों के उपयोग के बारे में अनेक रोचक कहानियां अवश्य सुनी होंगी। ऐसी ही एक कहानी है चीन के एक सम्राट के बारे में जिसका नाम था हुआंग टी। कहा जाता है कि उसके पास एक ऐसा रथ था जिसमें एक महिला की मूर्ति थी। मूर्ति किसी भी दिशा में घूम सकती थी। इसकी एक फैली हुई भुजा थी जिसे कि रास्ता दिखला रही हो। मूर्ति में एक अनोखा गुण था। मूर्ति ऐसी स्थिति में आकर रुकती थी कि इसकी फैली हुई भुजा सदैव दक्षिण की ओर संकेत करती थी। सम्राट जब भी रथ से किसी नए स्थान पर जाता मूर्ति की फैली हुई भुजा को देखकर दिशा ज्ञात कर लिया करता था। आइए अपने लिए एक दिशा निर्धारण निर्धारक करते हैं। क्रियाकलाप 5, एक छड़ चुंबक लीजिए। इसके एक सिरे पर पहचान के लिए एक चिन्ह लगाइए। अब एक धागे को चुंबक के मध्य बिंदु से बांधिए जिससे कि इसे एक लकड़ी के स्टैंड पर लटका सके। यह सुनिश्चित कीजिए कि चुंबक प्रत्येक दिशा में स्वतंत्रता पूर्वक घूम सके। इसे विराम अवस्था में आने दीजिए। चुंबक की विराम अवस्था में इसके दोनों सिरों की स्थिति दर्शाने के लिए धरती पर दो बिंदु चिन्हित कीजिए। इन बिंदुओं को एक रेखा से मिलाइए। यह रेखा उस दिशा को दर्शाती है जिस दिशा में चुंबक अपनी विरामावस्था किसमें विराम अवस्था की स्थिति में आकर रुकता है। अब चुंबक के एक सिरे को आराम से धक्का देकर घुमाइए तथा इसे विराम अवस्था में आने दीजिए। विराम अवस्था में इसके सिरों की स्थिति को दोबारा चिन्हित कीजिए। क्या अब चुंबक की भिन्न दिशा दर्शाता है? चुंबक को एक दूसरी दिशा में घुमाइए तथा इसके विराम में आने की स्थिति अंतिम दिशा को नोट कीजिए। क्या आपने देखा है कि विराम अवस्था में चुंबक सदैव ही एक दिशा में रुकता है? क्या आप सम्राट के रथ की मूर्ति के रहस्य का अनुमान लगा सकते हैं? इसकी क्रियाकलाप को चुंबक के स्थान पर लोहे की छड़ और प्लास्टिक अथवा लकड़ी के स्केल से दोहराइए। इस क्रियाकलाप के लिए हल्की वस्तुओं का उपयोग मत कीजिए तथा जहाँ तीव्र वायु चल रही हो वहां से भी बचिए। क्या अन्य पदार्थ भी सदैव एक ही दिशा में विरामावस्था में आते हैं? हमने देखा है कि स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक सदैव ही एक निश्चित दिशा में विराम में आता है जो उत्तर दक्षिण होती है। कौन सी दिशा होती है? उत्तर दक्षिण। जहाँ आप यह प्रयोग कर रहे हैं वहां प्रातः उगते हुए सूर्य की दिशा का उपयोग कर पूर्व दिशा का अनुमान कीजिए। यदि आपका चेहरा पूर्व की ओर है तो आपकी बाई ओर उत्तर होगा। दिशा निर्धारण के लिए सूर्य का उपयोग एकदम ठीक नहीं हो सकता, परंतु यह विधि आपके द्वारा खींची गई रेखा के उत्तर दक्षिण दिशा अंकित करने में सहायक सिद्ध हो सकती है। इसका उपयोग करके आप यह बता सकते हैं कि चुंबक का कौन सा सिरा उत्तर कौन सा सिरा दक्षिण दिशा को इंगित करता है। उत्तर की ओर निर्देश करने वाले सिरे को चुंबक का उत्तरोन्मुखी सिरा अथवा उत्तरी ध्रुव कहते हैं। दूसरा सिरा दक्षिणोन्मुखी तथा दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। सभी चुंबक के दो ध्रुव होते हैं चाहे उनका आकार कैसा भी हो। सामान्यतः चुंबकों पर उत्तर एन और दक्षिण एस ध्रुवों को अंकित किया जाता है। चुंबक का यह गुण हमारे लिए अत्यंत उपयोगी होगा। शताब्दियों तक यात्री चुंबक के इस गुण का उपयोग दिशा निर्धारण के लिए करते थे। यह कहा जाता है कि प्राचीन काल में यात्री एक प्राकृतिक चुंबक अपने साथ ले जाते थे जिसे धागे से लटका कर दिशा निर्धारण करते थे। तत्पश्चात चुंबकों के इस गुण पर आधारित एक युक्ति विकसित हुई है। यह कपास दिक्सूचक के नाम से जानी जाती है। कपास सामान्यतः कांच के ढक्कन वाली एक छोटी डिब्बी होती है। एक चुंबकीय सुई डिब्बी के अंदर एक धुरी पर लगी होती है जो स्वतंत्रता पूर्वक घूमती है। कपास में एक डायल भी होता है जिस पर दिशाएं अंकित होती हैं। कपास को उस स्थान पर रखते हैं जहां हमें दिशा निर्धारण करना होता है। इसकी सुई विरामावस्था में उत्तर दक्षिण दिशा को निर्देशित करती है। कपास को तब तक घुमाते हैं जब तक कि डायल पर अंकित उत्तर दक्षिण की चिन्ह सुई के दोनों सिरों पर ना आ जाए।
चुंबकीय सुई के उत्तरी ध्रुव की पहचान के लिए सामान्यतः इससे भिन्न रंग से प्रिंट किया जाता है। यह आपका कपास है। अब देखते हैं अपना चुंबक स्वयं बनाइए। चुंबक बनाने की अनेक विधियां हैं, आइए हम सरलतम विधि सीखें। लोहे का एक आयताकार टुकड़ा लीजिए, इसे मेज पर रखिए। अब एक छड़ चुंबक लीजिए, इसका कोई एक ध्रुव लोहे की छड़ के एक सिरे पर रखिए। चुंबक को बिना हटाए इसे लोहे की छड़ के दूसरे सिरे पर ले जाइए। चुंबक को उठाइए तथा उसी ध्रुव को लोहे के टुकड़े के प्रारंभिक सिरे पर वापस ले आइए। इसी प्रकार के चुंबक को लोहे की छड़ के अनुदेश बार बार ले जाइए। इस प्रक्रिया को लगभग 30 से 40 बार दोहराइए। जांच कीजिए क्या लोहे की छड़ चुंबक बन गई है। इसके लिए कोई पिन अथवा लोहे का बुरादा इसके समीप लाइए। यदि यह चुंबक नहीं बना है तो इस प्रक्रिया को कुछ देर तक और जारी रखिए। ध्यान रखिए कि चुंबक का ध्रुव तथा इसे लोहे की छड़ पर रगड़ने की दिशा बदलनी नहीं चाहिए। आप लोहे की कील सुई अथवा बिलेट आदि को भी इसी प्रकार चुंबक बना सकते हैं। ठीक है, अब आप जान गए हैं कि चुंबक कैसे बनाया जाता है। क्रियाकलाप 6, छड़ चुंबक के उपयोग से लोहे की सुई को चुंबकित कीजिए। अब इसे किसी छोटी कुरुक अथवा फॉर्म के टुकड़े में निविष्ट कीजिए। इसे पानी से भरे प्याले अथवा टब में तैराइए। यह सुनिश्चित कीजिए कि सुई पानी को ना छुए। अब आपकी कपास कार करने के लिए तैयार है। तैरती कॉर्क पर लगी सुई की दिशा नोट कीजिए। सुई लगी कॉर्क को विभिन्न दिशाओं में घुमाइए। जब बिना घुमाए कॉर्क तैरने लगे तो सुई की दिशा पुनः नोट कीजिए। क्या कॉर्क का घूमता बंद होने पर सुई सदैव एक दिशा में दर्शाई जाती है। चुम्बकों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। आइए चुम्बकों से एक अन्य रोचक खेल खेलें। दो छोटे छोटी खिलौना कारें लीजिए तथा उन पर ए एवं बी अंकित कीजिए। प्रत्येक कार के ऊपर लंबाई के अनुदेश रबर बैंड से एक चुंबक लगाइए। कार ए में चुंबक का उत्तरी ध्रुव अग्रभाग की ओर रखिए और कार बी में चुंबक विपरीत दिशा में रखिए। इस तरह अब दोनों कारों को एक दूसरे के समीप लाइए। आप क्या देखते हैं? क्या कारें अपने स्थान पर रहती हैं? क्या कार एक दूसरे से दूर जाती हैं? क्या कारें एक दूसरे की ओर चलकर टकराती हैं? अब खिलौना कारों को एक दूसरे के समीप इस प्रकार रखिए कि कार ए का पश्चिम भाग कार बी के अग्रभाग के सम्मुख रहें। क्या ये पहले की तरह चलती हैं? जिस दिशा में आप कारें चलती हैं उसे नोट कीजिए। अब कार ए को कार बी के पीछे रखिए तथा प्रत्येक स्थिति में उनके चलने की दिशा नोट कीजिए। अब कार बी का पश्चिम भाग कार ए के पश्चिम भाग की ओर रखकर इस क्रियाकलाप को दोहराएं। प्रत्येक स्थिति में अपने परीक्षण लिखिए। इस क्रियाकलाप से हम क्या देखते हैं? क्या दो समान ध्रुव परस्पर आकर्षित या प्रतिकर्षित होते हैं? असमान ध्रुव क्या करते हैं? परस्पर आकर्षण या प्रतिकर्षण? इतनी कहानी आपकी इसलिए बताई गई कि आकर्षण और प्रतिकर्षण आप लोग जान सकें। चुंबक का यह गुण एक चुंबक को लटका कर एक दूसरे चुंबक की उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को एक एक करके इसके समीप लाकर भी देखा जा सकता है। कुछ चेतावनियां। यदि चुंबक को गर्म किया जाए तो हथौड़े से पीटा जाए या ऊंचाई से गिरा जाए तो यह अपने गुण खो देता है चुंबक। यदि चुंबक का उचित रख रखाव ना हो तब भी ये समय के साथ छीण हो जाता है। छड़ चुंबक को सुरक्षित रखने के लिए उसके जोड़ों के असमान ध्रुवों को पास पास रखा जाना चाहिए। इन चुंबकों को लकड़ी के टुकड़े से पृथक करके इनके सिरों पर नरम लोहे के दो टुकड़े लगाने चाहिए। नाल चुंबक का भंडारण करने के लिए इसके ध्रुवों के संपर्क में लोहे का एक टुकड़ा रखना चाहिए। अपने चुंबक को कैसेट, मोबाइल, टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम, सीडी तथा कंप्यूटर से दूर रखें। तो ये थी पूरी आपकी कहानी। इसमें क्या क्या देखा हम लोगों ने? कपास देखा है, दिक सूचक के बारे में अच्छे से जाना है, चुंबक क्या होता है, क्या कार्य है इसका देखा है, पूरा चुंबक, मैग्नेटाइट भी जाना है, उत्तरी ध्रुव क्या है, इसका दक्षिणी ध्रुव देखा है। सारांश जान लेते हैं।
मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक सूचक है, चुंबक लोहा, निकेल, कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है। ऐसे पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ चुंबक से आकर्षित नहीं होते हैं वे अनुचुंबकीय कहलाते हैं। प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकता है। दो चुंबकों के आसमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि समान ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण होता है। समझ में आ गया? मुझे खुद समझ में नहीं आता है कि मैं आप लोगों को समझाऊं क्या इसमें, क्योंकि बहुत ही सरल शब्दों में लिखी गई। अभी बता रहा हूँ, एक दो बार पढ़ोगे आराम से समझ में आ जाएगा। ऐसा कोई भी टर्म्स नहीं है इसमें जो आपको समझ में ना आए। ये आपके अभ्यास के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक। इसे डाउनलोड कर लीजिए या फिर PDF मैंने उस पर भी डाल दी है पूरी टेलीग्राम पर, ठीक। रख लीजिए अपने पास जरूरी, या फिर प्रिंट आउट निकलवा लीजिए जो भी आपको अच्छा लगे। एक दो बार आपको पढ़ लेना है बस, जिससे आपका बेस क्लियर हो जाए, और कोई जरूरत नहीं है जान, ठीक है। आराम से एक दो बार पढ़ लीजिए बस। तो ये था हमारा 13वां चैप्टर। आगे हम बात करेंगे 14वें चैप्टर में जल के बारे में।